फिलिपियों के पत्र तीसरा अध्याय का 13 वचन। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशान की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। पौलुस अपने पुरानी जीवन के बारे में इतनी मजबूती से क्यों कहता है, उसके पीछे एक कारण भी है। वो मसीहियों को विरोध करता था, खास करके स्तेफनोस को मारने के वक्त में उनके कपड़ों को पौलुस के चरणों के पास रखे थे और पौलुस ने उसको निगरानी किया था। ये बातें पौलुस के दिल की गहराई के अंदर बहुत ही जोर से बैठा हुआ है, इसलिए वो कहता है पिछले की बातों को मैं भूल जाता हूँ। और वो कहता है पहला तिमोथियुस की पहला अध्याय की 13 वचन में, मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिना समझे बुझे ये काम किए थे। मैं निंदा करने वाला था, इसी के कारण से स्तेफनोस को मारने के लिए चाह रहा था और लोगों को सताने के लिए मैं तस्मी की ओर जाने के रास्ते में ही प्रभु यीशु ने मुझसे मिला। वो कहता है पहले मैं निंदा करने वाला और सताने वाला और बहुतों को मैं मारपीट भी किया है, इसी के कारण से ही स्तेफनोस को भी मारने के लिए मैंने काम किया है। ये बातें पौलुस की मन की गहराई में बैठ गई है, इसलिए वो अभी कहता है मैं पिछले की बातों को छोड़ के आगे की ओर दौड़े चला जाता हूँ। इब्रानियों की 12 अध्याय का पहला वचन में देखिए, मैं पुरानी बातों को छोड़ के आगे की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। जिन पापों को हमने छोड़ दिया है फिर से वो हम पर हावी वो के दबाने की संभावनाएं हैं, इसलिए हम सबको पाप की निश्चयता, पाप की क्षमा की निश्चयता की आवश्यकता है। कुछ लोगों का अनुभव यही है, पुरानी बातों को हमेशा याद करते हैं, लेकिन हमें पुरानी पापों को छोड़ के नए रास्ते पे, नए मार्गों पे जाने की आवश्यकता है। आप एक दोष की भावना में आ जाते हैं, हमेशा अक्सर हम यही समझते हैं मैं पिछले एक वक्त में मैं परमेश्वर के इतने नस्तिक था, लेकिन मेरे अरकतों के चलते मैं परमेश्वर से दूर हो गया है। इस प्रकार की बातें आपको मसीही प्रेम से अलग कर सकता है, लेकिन मेरे प्यारों कुछ भी रहे ना रहे, लेकिन परमेश्वर में हमेशा हमें बने रहना चाहिए। हालेलुया हालेलुया।